हेलो माय स्टूडेंट, आई एम निकिता, योर मैथ्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले HCF। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर जो आपने नहीं देखा है तो LCM का लेक्चर देख लेना। आज हम इस लेक्चर में HCF देखने वाले हैं। जैसे कि नेम के ऊपर से ही हमें पता चल जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो या तीन जितने भी नंबर दिए हैं उन सब नंबर का फैक्टर निकालना है और उन फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो है वो कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों या तो तीनों नंबर में होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेना है, उसको हम HCF कहते हैं। हालांकि HCF प्राइम फैक्टराइजेशन वाली जो मेथड है उससे आसान होता है, लेकिन मैं पहले दोनों मेथड आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं 2 and 4 या तो 4 and 6, whatever। चलो 4 and 6 में लेती हूँ, तो सबसे पहले 4 and 6 दोनों नंबर का हमें फैक्टर निकालना है। अगर आपको फैक्टर निकालना नहीं आता है तो मैंने फैक्टर के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप आईबेल के ऊपर लिंक आती होगी वहां पे जाके देख सकते हो। चलो फैक्टर निकालने के लिए 4 का फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला था कि टेबल स्टार्ट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के टेबल लिखना है यहाँ पे, जैसे कि 1 into 4, 4। उसके बाद 2 का टेबल, तो 2 2 4, और वापस 3 के टेबल में 4 नहीं आता है और 4 के टेबल में तो 4 1 4 रिपीट हो गया, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल कंप्लीट। मैं यहाँ पे स्पीड में फैक्टर वाले लेक्चर में मैंने आराम से सिखाया है। अब सीढ़िया यहाँ पे चढ़नी उतरनी है और यहाँ से सीढ़िया चढ़नी है, मतलब 4 का फैक्टर हमें मिल गया 1, 2, 4। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है 6, तो 6 का फैक्टर निकालना है, 1 से स्टार्ट करना है 1 into 6, 6। अब देखना है 2 के टेबल में क्या 6 आ रहा है, तो यस 2 into 3, 2 3 6। अब नेक्स्ट देखना है कौन सा 3 का टेबल, क्या 3 के टेबल में 6 आ रहा है, यस 3 2 6, मतलब नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जांपल ओवर। अब यहाँ पे सीढ़िया नीचे उतरनी है और यहाँ पे सीढ़ी चढ़नी है। चलो लिख लेते हैं फैक्टर 1, 2, 3, 6। ये हुए 4 के फैक्टर और ये जो है वो 6 के फैक्टर है। अब नेम के ऊपर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले देखना है दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में आना चाहिए, तो कौन सा नंबर कॉमन है दोनों में आ रहा है, ऐसा कौन सा है 2, और हाईएस्ट होना चाहिए तो यहाँ पे 2 ही है, उससे छोटा या उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो इसका HCF जो मिल गया 4 और 6 का HCF क्या आएगा 2। यूजिंग फैक्टर, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड है ना बच्चों, वो इजी है, वही मेथड से करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक मेथड सिखा दी। चलो अब यही नंबर का हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड से, किसका 4 and 6 का, राइट। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड, अगर आपको कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना नहीं आता है बच्चों, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है फैक्टर, उसमें मैंने डिटेल में सिखाया है फैक्टर कैसे निकाले जा सकते हैं। अब 4 और 6 का हम HCF फाइंड करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, स्टार्ट करना है 2 के टेबल से, अगर जो 2 के टेबल में ये नंबर आ रहा है तो 2 से स्टार्ट करना है, और अगर 2 के टेबल में यहाँ पे जो भी नंबर है वो नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट 3 के टेबल में, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे टेबल इंक्रीमेंट करते जाने हैं, तो 2 के टेबल में 4 है इसलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी 2 से, 2 2 4। एक ये बात याद रखने की, यहाँ पे ऐसे ही नंबर आने चाहिए जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हो, राइट। नेक्स्ट वापस 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आ रहा है इसलिए 2 1 2। लास्ट में जब 1 आ जाए तब एग्जांपल यहाँ पे ओवर। अब नेक्स्ट देखना है 6 का फैक्टर, चलो 6 के प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं बच्चों 6, तो 2 के टेबल में 6 आ रहा है इसलिए यहाँ पे होगा 2 3 6। अब 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो नेक्स्ट फैक्टर 3 3 1 3। अब 4 के जो भी फैक्टर मिले हैं वो यहाँ पे लिख लो 2 into 2, राइट, या तो यहाँ पे कॉमा लिखो, जो भी लिखो। उसके बाद 6, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर है 2, 3। अब HCF कैसे मिलता है, HCF मतलब जो दोनों में हो ऐसा, दोनों में कौन सा नंबर है 2, सो हियर आएगा HCF 2। समझ में आ गया, नेक्स्ट नंबर के हम HCF देखते हैं। चलो बच्चों दूसरे कोई नंबर लेके हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर ले रही हूँ 8 10 and 12।
8, 10 और 12 का हमें क्या निकालना है? HCF. तो 8, 10 और 12 का HCF निकालने के लिए सबसे पहले तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लेना है. सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं. 2 से स्टार्ट करना है, 2 के टेबल में 8 आ रहा है इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2 से. 2 4 जा 8, वापस 2 से. 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 2 आ रहा है इसलिए वापस 2 से. 2 1 जा 2. कब तक करना है? जब तक लास्ट में 1 ना आए तब तक. उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं. 10 के प्राइम फैक्टर 2 के साथ होगा क्योंकि 2 के टेबल में 10 आ रहा है बच्चों. सो 2 5 जा 10. अब 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता है, 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता है. तो नेक्स्ट नंबर 5, 5 के टेबल में 5 आ रहा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5. नेक्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं 12. 2 से स्टार्ट करना है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. अब 2 नहीं आएगा, 3 आएगा क्योंकि 3 1 जा 3. लास्ट में 1 आए तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं. अब सबके फैक्टर लिख लेने हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं 8, 8 के फैक्टर कौन कौन से हुए? 2, 2, 2. यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, 2, 2. अब नेक्स्ट नंबर 10, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 2, 5. और अब नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 12, 12 के कौन कौन से होंगे? 2, 2, 3. चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF. HCF मतलब तीनों में होना चाहिए कॉमन, जैसे कि 2, 2, 2 तीनों में है. 2, 2, 2 तो तीनों में है मतलब एक बार लिख लो 2. अब नेक्स्ट क्या वापस आ रहा है? तो 2, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं इसलिए 9. 3 तीनों में होना चाहिए, अब एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में है इसलिए 3 नंबर 8, 10 और 12 का HCF क्या होगा? 2. ऐसे कोई भी नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितने भी नंबर्स के डिजिट है आप HCF निकाल सकते हैं. लेकिन यही याद रखना है कि जो तीनों में हो वही एक टाइम्स लिख लेना है. अगर जो यहाँ पे वापस 2 होता ना तो वापस लेना है 2, 2, 2, तो वापस एक बार 2 लेना है और 2, 2 जा हो जाएगा 4. समझ में आ गया? यहाँ पे दूसरी बार 2 इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे 10 के फैक्टर में 2 नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे. ओके बच्चों, चलो बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले ले, चलो 18 और 54 का हमें क्या निकालना है? HCF. HCF निकालने के लिए जो भी दो नंबर दिए है उनके सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं. तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकाल लेते हैं. 18 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 क्योंकि 2 के टेबल में 18 आ रहा है इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे. कब आता है? 9. 2, 9 जा 18. अब 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता है. तो नेक्स्ट टेबल 3. 3, 3 जा 9. वापस 3, 1 जा 3. लास्ट में 1 आ गया, कंप्लीट. नेक्स्ट नंबर है 54. तो 54 का हम फैक्टर निकालते हैं. 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के टेबल में 54 कब आता है? इसका मतलब है इस नंबर को 2 के साथ डिवाइड करना और रिमाइंडर में 0 आना चाहिए. तो कितने 2 जा 54 होता है? 18. 18 2 जा 54. नेक्स्ट 2 9 जा 18. 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. कंप्लीट. अब फैक्टर लिख लेते हैं. 18 के कौन कौन से फैक्टर आए? 2, 3, 3. 54 के फैक्टर लिख लेते हैं. 54 के फैक्टर कौन कौन से हुए? 2, 2, 3, 3. अब हमें लिखना है HCF. HCF मतलब दोनों में होना चाहिए. तो पहले देखो 2 दोनों में है इसलिए एक बार यहाँ पे लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई. वापस कौन सा नंबर दोनों में है? 3. तो यहाँ पे लिख लेना है 3. अगेन 3, 3 दोनों में है तो वापस लेना है 3. तो यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई बाय होगा 3. जितने कॉमन नंबर्स आए उन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लो. 2, 3 जा 6 एंड 6, 3 जा 18. सो 18 और 54 का HCF हो गया आपका 18. HCF का कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों? अगर मेरी मेथड्स पसंद आ रही है बच्चों तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और ऐसे ही बेसिक मैथ्स के अलग अलग कंसेप्ट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हम मिलते हैं मेरे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ. तब तक बच्चों कीप लर्निंग. बाय.